फाइनली टुडे इज माई बर्थडे। तो नहीं आज मैं ऐसे बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही हूँ? इसको मालविका क्या गिफ्ट देगी? किसी किसी लोग आते हैं। देखो तो रे सारा दिन ओए दिखा बड़ा छोटू बुटू तो की मेरा बर्थडे खत्म हो गया। जाओ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल और मेरे चैनल के एक नए व्लॉग पर। तो गाइस, आज है मेरा बर्थडे। मतलब मैं ना पहले खुश नहीं थी, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि सेलिब्रेट करने वाले हैं। मैं खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि सेलिब्रेट करने वाले थे, बट अभी मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि सेलिब्रेट करने वाले हैं। मतलब आप लोग समझ नहीं रहे हो ना, मैं बता रही हूँ। मतलब मम्मी क्या बोल रहे थे, बहुत लोगों को बुलाएगा, थोड़ा सा खाना वगैरह होगा, लोगों को खिलाया जाएगा, तो ये सब होगा। बट मैंने फिर मम्मी को बोला मुझे ये सब कुछ नहीं करना, मेरे को घर में घर वालों के साथ ही रहना है। फिर मैं रो रही थी इस बात को लेके कि मुझे ऐसा नहीं करना है। पर जब आज ये दिन आया तो मेरे को अच्छा लग रहा है यार, इतने सारे लोग आएंगे, मेरे को गिफ्ट्स मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये वाला क्लिप देखने के बाद मम्मी मुझे डांटेगी कि मैं लोभी की तरह ये बात बोल रही हूँ। हाँ यार, गिफ्ट्स मिलेंगे, अच्छी बात है, खुशी की बात है, मिलेंगे, मेरे को अच्छे लगेंगे। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, मैंने नहा ली है और ये मैंने पुराना सा ही, पुराना नहीं है, अभी नया ही लिया है, कुछ महीने हो गए शायद। तो ये मैंने पहनी है एक ड्रेस, मतलब ऐसे फ्रॉक। और मेरा जो बर्थडे का ड्रेस है वो धोके दिया है, अभी थोड़ा सा सूखा नहीं है, और वो मैं अभी पहनूंगी भी नहीं, पूरा वाइट है, खराब हो जाएगा, तो मैं वो इवनिंग के टाइम पर पहनूंगी। आई एम सुपर एक्साइटेड पहनने के लिए। और इधर मेरा एक भाई लौता, नालायक भाई, आराम देख रहे हो जिंदगी में, सोते सोते खा रहा है, मतलब अलग ही लेवल का सुख है। बाय द वे, अभी जाते किचन की ओर क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़ोरों से भूख। और आज मैं थोड़ा सा सुबह के टाइम में हेल्दी खाऊंगी क्योंकि इवनिंग के टाइम पे तो स्टार्ट हो ही जाएगा मेरा खाना। सो अभी मैं थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह काटूंगी, खाऊंगी, एंड देखते आगे आगे क्या होता है। स्टे ट्यून्ड। तो फिर से आ गया। जिंदगी हो तो ऐसा हो यार, कितना भी खा ले शरीर में फिर भी चर्बी पैदा नहीं होती। और मेरा देखो थोड़ा सा खाने के बाद। तो अभी मैं अपना बर्थडे केक स्वयं बनाने जा रही हूँ क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा बिजी है, मतलब बहुत काम करे जा रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से अकेले काम कर रहे हैं। मैं तो ज़्यादा हेल्प कर ही नहीं पाई क्योंकि मैं कल ही आई और आज भी मैंने ज़्यादा काम किया नहीं, तो मैंने सोचा ये मैं कर लेती हूँ, कुछ तो मैं करूँगी। वैसे तो लास्ट टाइम मम्मी ने बनाई थी, बड़ा यम्मी बना था। इस बार भी मम्मी ने बेक करके रखा है, मेरे को बस आइसिंग करनी है। और वैसे भी मम्मी के हाथ का सब कुछ मेरे को टेस्टी ही लगता है, तो केक भी टेस्टी बना होगा। मैं तो बस ऐसे ही डिज़ाइन बनाऊंगी ऊपर से। तो चलो अभी केक डिज़ाइन करती हूँ। मैं बहुत मेहनत करके केक बना रही थी, फाइनली घर की छोटी मजदूर आ गई। हेलो, लास्ट लगे तो दिस इज माय बर्थडे केक गाइस। ये मैंने ही लाया है और मुझे ही नहीं दे रहे ये लोग। इधर हो रहा है फिश फ्राई। देखा कि एक बार हाई कोई सलस्य आप लोग तो जानते ही हो मेरे चाची जी को, लास्ट ईयर भी इन्होंने ही बनाई थी। इधर पापा लोग यू नो तैयारी कर रहे हैं खाने की ही। अभी कोई कमेंट में छी मत बोलना क्योंकि हमारे आसाम में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है गाइस, आहोर मांखो। गाइस हमारे भिंडी का खेती देखो, छोटा सा शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। इधर शुरू हुआ उस वाले भिंडी पे, उस वाले पे नहीं कहा गया, उधर उधर ख़त्म। तू जैसे मेरे बर्थडे में काम कर रहा है, मेरे शादी में भी करेगा कि नहीं बोल? हैं, मैं भिंडी तोड़ना चाहती थी बट नहीं दिया गाइस। ये भिंडी तभी बड़ा नहीं है, बट वो वाला भिंडी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मतलब मैंने इतनी लंबी भिंडी शायद पहली बार देखी है। बर्थडे व्लॉग से थोड़ा हट के कुछ अलग हो रहा है, तो अभी मैं घर चली जाती हूँ, मतलब घर में वापस जाती हूँ। देवता नारी को लेता, नारियल मिल गया गाइस आसमान से टपका, ये नारियल अब मेरे कंधे में है। मेरे से भी काम करवा रहा है आज के दिन, अब क्या ही बोलूँ मैं।
फाइनली काम पे लग गया प्यारी। गुस्सा हो तुम? सब मेरे को लग गई है बहुत ज्यादा भूख, इसलिए मैं किचन से बाहर निकल आई। अभी सब लोग दही वगैरह खाएंगे, बट मेरे को नहीं खाना क्योंकि मेरे को ये खाने में कब से इसे खोलने की कोशिश कर रही हूँ, बट टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं खाऊंगी ये आलू के, क्या है ये, पोटैटो क्रैकर्स, पोटैटो चिप्स नहीं है ये, क्रैकर्स। सो एस्थेटिक पैकेजिंग गाइस, जब जिंदगी में मैंने पहली बार ये खाए थे तब मेरे को लगा ये क्या खा लिया मैंने, इतना टेस्टी। सबको खिलाते हैं। खाओ और फिर रिव्यू देना। मेरा भाई का रिव्यू यही होता है। तो खाते मालो ने मुझे बोला कि वो नहीं आ सकता, ड्राइवर नहीं मिला ये वो, और ये क्या एक्सपेक्ट कर रही है और ये क्या एक्सपेक्ट कर रही है? बताए, बोलो बोलो बोलो। इसको मालविका क्या गिफ्ट देगी? वो मालविका क्या होता है तेरा? दीदी। हाँ दीदी। भाई मालो मुझे क्या देगी वो देखने के लिए? मालो मुझे क्या देगी वो देखने के लिए? एक्साइटेड है, बट मालो ने तो बोला वो नहीं आएगी। प्रैंक कर रही है या फिर मैं प्रैंक बन जाऊ पता नहीं। अभी उस बार भी ऐसा ही किया था उसने। कोई नहीं, उस बार मैंने विश्वास कर ली थी कि वो नहीं आएगा, वो भूल गई, इस टाइप का हो गया था। बट इस बार बोला उसने कि मैं नहीं आ सकती ये वो। अगर उसने सरप्राइज दिया तो ये भी मेरे लिए फायदे की बात है, अगर नहीं दिया तो मेरे साथ मोए मोए हो जाएगा। व्हाट व्हाट्स योर प्रॉब्लम गाइस? ये लोग आ गए हैं फाइनली, रिजु भी आ गए हैं। हाँ तुम लोग कुछ दे रहे थे, दे दो। दे किसे किसे लोग आते हैं? थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्यों क्यों तुम्हारा मुंह सड़ा हुआ क्यों है बहन? नहीं है सड़ा। रिजु काम कर रहा है गाइस और ये दो बस कुछ नहीं कर रहा है, अड्डा मार रहा है। इधर गुब्बारे रेडी है, बस अभी केक काटूंगी। मैं खा रही हूँ चिप्स। जो बोलने वाली बात थी नहीं पता, मुझे भी सुंदर लग रही है ना गाइस। तुम भी आओ कैमरे में ऐसा करके और आओ तुम पर कुछ कहना चाहोगे? तुम मुझे विश नहीं करोगे? मैं कैसी हूँ बताओ? तुम मुझे बहुत प्यारी लग रही हो। नहीं नहीं, मैं एक कैसी इंसान हूँ? क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। तुम कुछ बोलना चाहोगे?
कोई कुछ नहीं बोलना चाहता गाइस। गोल गोल कैमरा खा ना पाइस। रात के बज रहे 11 और मैंने अभी तक खाना वगैरह नहीं खाया और मुझे गाइस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट इसको जाना पड़ेगा, इसको लेकर स्कूल है मेरा, इसलिए इसको गिफ्ट चाहिए। पता है हिस्सा हिस्सा मैंने काम किया था, काम किया था तो चाहिए। मैंने पूरी तरह अभी तक खोला नहीं है कुछ भी, जो जो खोला है उसी में से इसको दे देती हूँ, क्योंकि हमारा यही चलते रहता है इसके बर्थडे में। मैं इसका तुम ज्यादा नहीं देते हो, ये ले लो एक और चॉकलेट दो की कप कप हाँ कप भी दिया है, ऐसा एक कप दिया है। थैंक्स बोलो। थैंक यू सो मच। खा लेना, तुम लोग तो कैंटीन में भाड़ा पर आए फिर भी दे दिया, तुम भी क्या याद रखोगे, विश तो अभी तक किया नहीं साले। दे डाले भाई, याहू हैप्पी बर्थडे कमो। बोर्ड तो भंगाइलो। रात के 12 बजे के मेहमान, मेरा बर्थडे खत्म हो गया, जाओ अब। बाय बाय। सो गाइस अभी रात के 12 बजे है और मैंने कुछ नहीं खाया, मम्मी ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ इन दोनों के वजह से, क्योंकि सब खा के हो गया। और ये सर और ये भैया अभी आया है और पिताजी को बहुत नींद लगी है, आप लोग देख सकते हैं, मुझे भी लग रही है। तो अभी खाना खा के मैं सो जाऊंगी, अभी इन लोगों को टाटा बाय बोलते हैं। सो गाइस यहाँ पे अड्डा चल रहा है और मैं बैठी हूँ खाने, क्योंकि मेरे को लग गई है बहुत ज़्यादा भूख और मेरे से सहन नहीं जा रहा है।